हेलो नमस्ते, मैं नील, आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अरहान रियल इस्टेट में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जो गेट दिखाई दे रहा है, आपको इस साइड का एक एंट्रेंस गेट रहेगा आपको, जहाँ पे आपको 11 मीटर का रोड है, कॉर्नर का बिल्डिंग है, तो दोनों साइड से आपको रोड मिलता है। एक साइड में 24 मीटर का रोड है, एक साइड में 11 मीटर का रोड है। जो पार्किंग है तो कुछ इस टाइप का आपको ये साइड पार्किंग मिलेगा, जो जो चैन टाइप पार्किंग है, जो आप नीचे अगर गाड़ी खड़ी कर दी तो ऐसे घूमते घूमते अपना ये गाड़ी यहाँ पे पार्क हो जाता है। अभी जो मैं आपको ये फ्लैट दिखाने वाला हूँ, 2 BHK, यहाँ पे आपको पार्किंग भी मिलने वाला है फ्लैट के अंदर। और फ्लैट जो है वो काफ़ी स्पेशियस है। बिल्डिंग जो है वो कॉर्नर का बिल्डिंग है, G+13 का टावर है, रेडी टू मूव बिल्डिंग है, ट्राई पार्टी है, टाइटल क्लियर है, सभी बैंक का लोन आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला आपको, एक 24 मीटर का जो रोड है तो उस साइड का ये गेट रहेगा, कॉर्नर का बिल्डिंग होने के कारण सभी फ्लैट को आपको रोड व्यू मिलता है। और जो फ्लैट है वो काफ़ी स्पेशियस भी है। 1 BHK एंड 2 BHK आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम 2 BHK देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो लोग कुलवे के अंदर प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंटर करेंगे अपने एंट्रेंस लॉबी के अंदर। तो आप देख सकते हो जो एंट्रेंस लॉबी है, रेक्टेंगल टाइप एंट्रेंस लॉबी आपको यहाँ पे मिलती है। ऊपर लाइट्स वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है। साइड में आपको जो इटालियन मार्बल जैसा जो चमचमाता हुआ मार्बल है, तो उसके वजह से जो लॉबी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ पे आपको स्टेयरकेस मिलेगा और एक बाहर स्टेयरकेस मिलता है। यहाँ पे आपको 2 लिफ्ट है, एक स्ट्रेचर लिफ्ट है, एक पैसेंजर लिफ्ट है। ऊपर जाके देखते हैं अपना गार्डन एमिनिटीज़। तो यहाँ पे अपना गार्डन रहेगा, यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर पे है सभी एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती है, बस यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो सामने जो स्पेस दिखाई दे रहा है खाली, यहाँ पे आप अपना फंक्शन वगैरह कुछ भी कर सकते हो। काफ़ी बड़ा स्पेस है, सामने आपका गार्डन मिलने वाला है, आपको गार्डन वगैरह सब कुछ रेडी आज हो चुका है। यहाँ पे आपको जिम भी मिलता है, बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पेस भी मिलता है, स्लाइडिंग वगैरह मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो जो स्पेस है प्रोग्राम वगैरह बनाने के लिए तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आप अपना एक बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ भी, आप बड़ा फंक्शन, सोसाइटी का फंक्शन, जो भी अपना इंडियन कल्चर के हिसाब से जो बड़े बड़े फंक्शंस रहते हैं, तो यहाँ पर आप अपने सोसाइटी के अंदर यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हो दोस्तों। तो काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको ये बिल्डिंग के अंदर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको जैसे मैंने बोला चिल्ड्रन प्ले एरिया, जहाँ पे आपको स्विंग, स्लाइडिंग, सी सॉ वगैरह सब कुछ आपको बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए रहते हो और वीडियो को भी देखते रहते हो तो उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। काफ़ी मेहनत करते रहता हूँ मैं आपको, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ जाता हूँ। तो सब्सक्राइब करोगे तो आप सबसे पहले आपको अच्छे प्रॉपर्टी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और यहाँ पे अपने ये बिल्डिंग के अंदर आपको यहाँ पे जिम मिलता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा जिम आपको यहाँ पे मिलता है। बाजू में सोसाइटी का ऑफिस है। चलिए अभी अपना ऊपर जाके फ्लैट देख लेते हैं किस टाइप का अपना फ्लैट रहेगा। ये फर्स्ट फ्लोर पे है, हम पोजीशन कुछ ही दिन में होने वाला है। यहाँ पे आपको 1 BHK एंड 2 BHK कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा बिल्डिंग के अंदर। 2 लिफ्ट है और बेसिक एमिनिटीज़ आपको ये बिल्डिंग के अंदर मिलेगी। फ्लैट के सामने आपको काफ़ी बढ़िया पैसेज एरिया मिलता है। चलिए अभी इंटर करते हैं अपने हॉल के अंदर। आप देख सकते हो जो हॉल है आपका एल टाइप मिलेगा, स्पेशियस है। लगभग आपको 1150 का एरिया बिल्टअप मिलता है। कारपेट की बात करेंगे तो 700-750 का कारपेट एरिया मिलेगा। जो फ्लैट है अपना रोड फेसिंग है और एल टाइप हॉल है। यहाँ पे आपका जो डाइनिंग स्पेस मिलता है, हॉल को अटैच आपको 2 फीट का बालकनी और उसके आगे वो पिलर कॉलम वगैरह रखे, तो यहाँ पे आप ऐसा बालकनी वगैरह उसको अटैच करके बालकनी काफ़ी अच्छी बना सकते हो। और सामने ये जो काम चालू है वहाँ पे सेक्टर 26 है, सेक्टर 26, तो 26 में अगर आप बुकिंग करना चाहोगे तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे इन्वेंट्री अवेलेबल है। और ये जो प्रोजेक्ट है 24 मीटर रोड फेसिंग प्रोजेक्ट मिलेगा। बिल्डिंग जो है वो कॉर्नर का बिल्डिंग है। हॉल का साइज़ काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फ्लैट का जो डोर का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रहेगा। ईस्ट में हमारा किचन आ जाता है, हम किचन भी देखते हैं। और अपना सभी बेडरूम्स वगैरह किस टाइप के वो भी देखने वाले हैं। वीडियो को कंटिन्यू देखते जाना। अगर किचन की बात करेंगे साइज़ के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा किचन आपको यहाँ पे मिलता है। 1 साइडेड प्लेटफॉर्म है, किचन को अटैच 2 फीट का फ्लोर बेड में मिलता है। किचन आपको ईस्ट फेसिंग मिलता है, तो यहाँ पे आपको मॉर्निंग सनलाइट आपके किचन के अंदर आ जाएंगे। अगर आपको किचन जो है कहाँ पे कौन सा चीज़ आ सकता है, तो यहाँ पे आप अपना फ्रिज वगैरह रख सकते हो। और जो फ्रिज रखने के बाद भी काफ़ी बड़ा स्पेस आपको यहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए मिल जाएगा।
अभी किचन के ही सामने हमें मिलता है डाइनिंग स्पेस, उस साइड पे अपना सिटिंग अरेंज कर सकते हो, क्योंकि हॉल जो है वो काफ़ी बड़ा है। सामने आपका रहेगा कॉमन बेडरूम, तो कॉमन बेडरूम की साइज़ के हिसाब से बात करेंगे तो 9x10 का कॉमन बेडरूम मिलता है। कॉमन बेडरूम को अटैच आपको 2 फीट की बालकनी मिलती है, इसे फ्लोर बेड बोलते हैं 2 फीट का। और फ्लोर बेड भी जो है, जो अपना कॉमन बेडरूम भी जो है वो रोड फेसिंग मिलता है। बेडरूम के सामने और हॉल के सामने आपको मिलता है 24 मीटर का रोड, और इसके अपोजिट में भी आपको सेक्टर 26 है, और यहाँ पे भी आपको एक टावर, बड़े बड़े टावर्स आने वाले हैं दोस्तों। तो आपके जो बिल्डिंग के सामने 24 मीटर का रोड आपको यहाँ पे मिलेगा। सीलिंग हाइट की बात करेंगे तो लगभग आपको जो सीलिंग हाइट है 9 साढ़े 9 के आसपास आपको सीलिंग हाइट मिल जाएगी दोस्तों। ये रहेगा आपका कॉमन टॉयलेट बाथरूम, तो साइज काफ़ी अच्छा है कॉमन टॉयलेट बाथरूम की। चारों ओर से आपको टाइल्स मिलती है और कॉमन बाथरूम के अंदर ही आपको हैंड वॉश बेसिन मिलता है। अभी इंटर करते हैं अपने मास्टर बेडरूम के अंदर। आप देख सकते हो जो साइज़ है मास्टर बेडरूम का, लगभग 10x12 का साइज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। और अटैच आपको 2 फीट का फ्लोर बेड यहाँ पे मिलता है, जो लंबाई है ऐसा 12 है, और इस साइड में मुझे लगता है कि 9 के आसपास करीब आपको ये ऐसा 9 मिलेगा बीच में, क्योंकि ये पिलर आ जाता है तो थोड़ा सा यहाँ पे एरिया कम हो जाता है। तो अगर ऐसे काउंट करेंगे तो लगभग आपको 9x12 ही पकड़ लो आप, क्योंकि 9x12 का आसपास आपको ये बेडरूम मिलता है। और मास्टर बेडरूम को अटैच अपना ये जो टॉयलेट है कुछ इस टाइप का मिलता है। टॉयलेट के अंदर भी आपको वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। साइज़ के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। और प्राइस की बात करेंगे तो ये जो प्राइस है दोस्तों फ्लैट की, तो लगभग आपको ये 90-95 लाख के करीब आपको ये इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस हो सकता है दोस्तों। 95 पकड़ के चलिए, इसमें पार्किंग भी आया, स्टैम्प ड्यूटी भी आया, डिपेंड ऑन मीटिंग। अभी आपको अगर फ्लैट विजिट करना है तो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे नंबर दिया है, तो यहाँ पे कॉल करके अपना विजिट कंफर्म कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ वीडियोज़ में हमेशा अपलोड करते रहता हूँ, तो आपको अच्छे प्रॉपर्टी की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो दोस्तों।